मायावती की मूर्तियों पर लगा चुनावी लॉक। मायावती की मूर्तियों पर डाले गए तिरपाल। यूपी में जब जब चुनाव आते हैं तब तब मायावती की मूर्तियां चुनावी मुद्दा बनती हैं और हर बार उनकी मूर्तियों पर चुनावी लोक भी लग जाता है। इस बार फिर से मायावती की मूर्तियों को तिरपाल से ढक दिया गया। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर लगी मायावती की मूर्ति को काले तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि चुनावी मौसम में लोग उनकी मूर्ति को देखकर उन्हें वोट ना दे दें। और मायावती जी को तो मायावती जी का मुंह कटा कर रखा है चुनाव के कारण। चुनाव के कारण आई थी। सही कह रहे हैं। मायावती जी का मुंह ढक रखा है यार यहाँ पर, देखिए आप। हाथी भी ढाकते थे पहले तो। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वैसे, बट ये गलत है। और क्या, यहाँ पर वैसे भी कोई भीड़ नहीं है इतनी ज़्यादा कि कोई चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन यहाँ मायावती जी की शक्ल को इनने ढाक रखा है, पॉलिथीन से पूरा लपेटा हुआ है, और मतलब सच में बहुत बुरा लग रहा है देखकर। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से ये कार्रवाई की गई है। विरोधी मायावती की मूर्ति और पार्कों को चुनावी प्रचार कहकर हल्ला करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग मायावती के बनाए भव्य और ऐतिहासिक पार्कों को तो नहीं ढक सकता, इसलिए अक्सर मायावती की मूर्तियों और हाथियों को ही तिरपाल से ढक देता है। लेकिन क्या वाकई मूर्तियां ढक देने से यूपी की जनता वोट देने का फैसला बदल देगी? सवाल तो ये भी उठता है कि उन पार्कों और स्मारकों का क्या जो मायावती की सरकार में हुए शानदार काम का जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।